जब हम विधि के विधान से चलते हैं तो विधि भी कदम कदम पर हमारा साथ देती है। जब हम अपने हिसाब से विधि को चलाने लगते हैं, इस सृष्टि को चलाने लगते हैं, तो सृष्टि हमें नचाने लगती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपके अपने होस्ट दोस्त डॉक्टर वैराखी। और आज ऑफिस बंद है, मंगलवार का दिन है, तो धूप में बैठने का थोड़ा सा मौका मिला, क्योंकि आखिर विटामिन डी की ज़रूरत हमें भी है। मन तो कर रहा था कि मूंगफली खाऊं और मूंगफली खाते खाते धूप में बैठूं, पर इतनी देर में रियलाइज़ किया कि घर में मूंगफली नहीं है और देव कहीं गया है। एक्चुअली आज देव गया है कोड़ियों के आश्रम अपने पापा के साथ खाना वितरण करने के लिए, और मैं नहीं जा पाई। मेरे को कुछ 3-4 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पर बात करनी थी, तो देव के आने में भी टाइम है। देव उन सब लोगों को खाना खिलाकर आएगा, तो मैंने सोचा जब तक 5 मिनट स्टोरी पर आपको एक कहानी सुना दूँ। ये कहानी हमारे यूट्यूब परिवार की है, किसी का नाम और चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है कि विधि के विधान के हिसाब से चलो। अगर जो चीज़ किस्मत में हो वो मांगो, जो नहीं हो तो वो मत मांगो। मांगना बंद कर दो, ज़िद मत करो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना जो मुकद्दर में हो वो मिलता है। नहीं, मुकद्दर अपने आप बनाया जाता है। कई बार मैं भी आपसे कहती हूँ किस्मत में जो है वो चीज़ चलकर दौड़कर आपके पास आएगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि कलयुग में गीता ये कहती है असंभव भी संभव है। बिगड़े हुए मुकद्दर को भी सुधारना इस युग में बहुत आसान है, और ये केवल कलयुग में हो सकता है। अगर मौत भी है तो उसे अपने अच्छे कर्मों के द्वारा टाला जा सकता है और अच्छी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। इस अपना बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, आज से 1 साल पहले तक देव का भी स्कूल से वापस आने का 2 बजे का टाइम होता था, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि देव आएगा तो साथ में लंच करेंगे। हम अपने ऑफिस का लंच टाइम ही 2 बजे रखते थे, लेकिन अब देव कॉलेज चला गया है और कॉलेज से देव सुबह 9 बजे जाकर शाम को 6 बजे आता है। वो कॉलेज भी बड़ी अजीब चीज़ है, नहीं तो बच्चों के हिसाब से हमारी चीज़ें बदलती रहती है। जैसे अभी 2 बजे तक मैंने लंच नहीं किया है, तो लगता है कि लंच करने की ज़रूरत क्या है। तो आपसे कहानी सुनाते सुनाते एक सहेली मिल गई, उसको ऐसे हाय किया और उससे बात की। आप कहानी सुनाती हूँ। रमेश की शादी को 4 साल हो गए थे और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। रमेश बहुत परेशान था, कई ज्योतिषियों के पास अपनी कुंडली दिखा ली थी, तो कुछ ज्योतिष कहते थे तुम्हें संतान इस जीवन में नहीं हो सकती, पितृदोष है। तो कुछ ज्योतिष कहते थे पितृदोष की पूजा कराकर तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है, तो कुछ ज्योतिष कहते थे तुम्हें संतान ज़रूर होगी। समय बीतता जा रहा था, अब शादी को 6 साल हो गए थे लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत उपाय किए, बहुत ज्योतिष के गए, बहुत व्रत रखे, पूजा की, आराधना की, अर्चनाएं की, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। 8 साल बाद नाक रगड़ने के बाद, भगवान से जिद और बहस करने के बाद, ज़बरदस्ती भगवान के आगे नाक रगड़ने के बाद किस्मत को बदला। बहुत उपाय किए, बहुत उपाय किए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उपाय कर कर देख लिए, और सारे उपाय करने के बाद 8 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे लगा जीवन के अंदर सारी खुशियां मिल गई हैं, इसके बाद ज़िंदगी में कुछ और चाहिए ही नहीं होगा। 8 साल के बाद जब बेटा हुआ तो खुशी से चेहरा लाल हो गया। वक्त बदला, बच्चा बड़ा हुआ। जब बच्चा 18 साल का हो गया और कॉलेज जाने की बारी आई तो संतान का जो व्यवहार था वो धीरे धीरे बदलने लगा। सिगरेट शराब पीने लगा, कॉलेज जाकर व्यवहार गंदा करने लगा और माता पिता को मारने लगा, घर में चोरी करने लगा, चोरी करके पैसों को ले जाने लगा। और माता पिता शर्म से जिस बच्चे को मन्नतों से भूखे रह के व्रत रखकर प्राप्त किया था उसके बारे में संसार को बताना भी मुश्किल हुआ। आती तो तब हुई जब इस बार उनके बेटे ने उन दोनों को नहीं बल्कि उनकी अपनी खुद की दादी को मारा, उनकी माँ को मारा। तब उनका हृदय टूट गया और हृदय टूटने के बाद भगवान से सिर्फ एक ही बात कही, हे भगवान इससे तो तू हमें निरसंतान ही रखता। काश ये बात आपको पहले समझ में आती। आपकी किस्मत में संतान का सुख नहीं था, तभी भगवान ने आपको इतने लंबे समय तक संतान नहीं दी, और भगवान आपको बुढ़ापे में ये दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन खुद भगवान से लड़कर इस दुख को प्राप्त किया। इसीलिए तो आपसे कहती हूँ, भगवान से कहो अगर किस्मत में है तो मुझे दे दे, और अगर किस्मत में नहीं है तो मेरा दिल उस तरफ से हटा दे, पलट दे, मेरा मन ही उस चीज़ से हट जाए, मेरा मन किसी और चीज़ में लग जाए। ऐसा कहिए और ईश्वर से कामना कीजिए, जो मिले हमेशा के लिए मिले, अपना मिले, और उसका सुख मुझे अपनी आखिरी सांस तक मिले तो ही मुझे वो सुख दो। अगर उसका सुख मुझे अपनी आखिरी सांस तक नहीं मिलना तो प्रभु फिर मुझे वो सुख ना देकर मेरा मन किसी और चीज़ में लगा दो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? ये हमारे YouTube परिवार की कहानी है, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसे अपने किसी दोस्त के साथ इस कहानी को शेयर कीजिए जो संतान प्राप्ति ना होने पर बहुत दुखी है और उसे लगता है कि बस इसके बाद मेरा जीवन ही नहीं है, तो उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाएगा। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी।